आज की रेसिपी कच्चे आम का खट्टा मीठा चटपटा अचार दो तरह से पूड़ी पराठे के साथ में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बच्चे तो इसी अचार को अपने टिफिन में ले जाना पसंद करते हैं और आप इसे बहुत ही मजे से उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। जब आप बाजार से आम लाए, फर्म आम ले लीजिए अचार के लिए, पिलपिले ना हो। तीन हमने छील लिए, एक अब छीलते हैं। सबसे पहले तो इनका थोड़ा सा हेड काट कर हटा दीजिए और इसके बाद इन्हें छील लीजिए। जब आप बाजार से आम लाए तो उन्हें अच्छी तरह धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में डाल दीजिए। ऐसा करने से आम के अंदर जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। इसके बाद पानी में से अच्छे से धो के निकाल लीजिए और सुखा लीजिए। तब इन्हें छीलिए और काटिए। ऊपर ऊपर से जितना पल्प निकलता है वो निकाल लीजिए। गुठली के ऊपर से पूरा पल्प स्क्रैप कर लीजिए। बहुत अच्छा पल्प निकला है, गुठली एकदम से पतली है। इसे हटा दीजिए और अब जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको काट कर अपने हिसाब के टुकड़े बना लीजिए, जितने बड़े पीसेज चाहिए। अचार बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेज मत बनाइए, क्योंकि जब आप सर्व करेंगे उसमें आपको दिक्कत आएगी। ये सारे आम कट गए और इनकी ये गुठलियाँ हैं, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पल्प है। आप इन्हें उबाल कर चटनी में यूज़ कर सकते हैं, मीठी चटनी बना लें, पना बना लें, दाल वगैरह में डाल लें, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब इनके लिए मसाले तैयार करते हैं। ये 2 टेबल स्पून सौंफ, फ्लेम को धीमा रखें, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा और ये 2 टेबल स्पून पीली सरसों, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 बड़ी इलायची और 7-8 लौंग। इतने ही मसाले हैं। इन्हें आप लो मीडियम फ्लेम पर 1.5-2 मिनट भून लीजिए, खुशबू निकलने लगे। इनका कलर नहीं चेंज करना है। मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, ये भून गए। इन्हें हमने 1.5 मिनट भूना है, फ्लेम बंद। और अब डाल दीजिए एक प्लेट में और हल्का सा ठंडा कर लीजिए। और जो ये बड़ी इलायची है इसे छील लीजिए, इसके दाने चाहिए, छिलके नहीं चाहिए। छिलके हटा देंगे। अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए। ये एकदम दरदरे मसाले पीस लिए, इसको बंद करके रख देते हैं और अब अचार बनाते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, इस तरह की नॉन स्टिक हो या हार्ड एनोडाइज्ड हो या स्टील की हो, अल्मोनियम की कढ़ाई में अचार मत बनाइए। ये 1/4 कप तिल का तेल, मीठा अचार बना रहे हैं तो ऑयल भी मीठा ही लीजिए। अगर तिल का तेल ना हो तो कोई भी कुकिंग ऑयल, मूँगफली का है, सूरजमुखी का है, कोई भी है वो भी ले सकते हैं। गरम ऑयल में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1/4 छोटी चम्मच हींग। सौंफ हल्की सी भुन गई, अब डाल दीजिए ये आम के टुकड़े। 1 टेबल स्पून काला नमक, इस अचार में काले नमक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिए। और 1 टेबल स्पून सफ़ेद नमक मिला दीजिए। फ्लेम को लो मीडियम रख लीजिए। 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें मिलाकर ढक दीजिए और 2-3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने दीजिए। आम के टुकड़ों को थोड़ा सा नरम करना है। इस कढ़ाई में डाल देते हैं गुड़, 1/2 किलो गुड़ है ये। इसे छोटा छोटा तोड़ लिया है और ये 1/2 कप पानी। फ्लेम ऑन कर दीजिए और गुड़ को पूरी तरीके से मेल्ट होने तक कुक कर लीजिए। इसका पूरा सिरप बनाना है। और इधर जो आम के टुकड़े हैं इनको हर 2-3 मिनट में चलाइए ज़रूर, और बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है इन्हें। इन्हें कुक करने के लिए फ्लेम लो मीडियम रखी है, धीमे धीमे कुक हो रहे हैं। फिर से ढककर 2-3 मिनट कुक कर लेते हैं और इधर गुड़ को भी चलाते रहते हैं। और 2 मिनट कुक कर लिया, थोड़ा सा दबा कर देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा और कुक करेंगे, फिर से ढक देते हैं। ये गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया, बस मेल्ट करना है, कोई चाशनी वगैरह आपको नहीं इसकी बनानी। गुड़ रेडी है, फिर से चेक करते हैं। देखकर ही लग रहा है कि आम के टुकड़े नरम हो गए हैं, और इन्हें दबा कर देखें तो ये हल्के से दबने लग गए, बस ज़्यादा नरम नहीं करना है। आम का हल्का नरम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें बिना नरम किए हुए गुड़ और चीनी मिला देंगे तो ये टुकड़े थोड़े सख्त रहेंगे, चीनी और गुड़ आने के बाद ये कुक नहीं होते। इन्हें हमने लो मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट कुक कर लिया है। फ्लेम को एकदम धीमा कर दीजिए। ये जो मसाले अभी हमने भूनकर पीसे थे वो सारे, और ये 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। बहुत तीखा नहीं बनेगा अचार, हल्का सा तीखा टेस्ट आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। और ये हमने 10 बारे खजूर को काट लिया है पतला पतला,
इससे अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहें तो नहीं डालें। फ्लेम एकदम धीमी है क्योंकि अब इसे बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है। ये हमारा इंस्टेंट अचार बन जाता है। फटाफट गैस पे चढ़ाया और आम के टुकड़े नरम किए और मीठा मिला दिया। मसाले मिल गए, अब इनको हम दो भागों में बांट लेंगे। तो आधे में मिलाएंगे गुड़ और आधे में चीनी। आधा मिक्सर हम अलग प्याले में निकाल लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं गुड़ का सिरप छान के। कई बार इसमें इम्प्योरिटी होती है और वो अच्छी नहीं रहती। अब गुड़ के सिरप के साथ इनको पकाइए, यानी थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। फ्लेम को तेज कर लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसे गुड़ के साथ 5-6 मिनट कुक कर लिया। अब चेक करते हैं, थिकनेस वैसे तो दिख रही है लेकिन फिर भी चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ी सी चाशनी कटोरी में गिरा ली और ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद उंगली से चिपकाइए और देखिए इस तरीके से तार निकल रहा है ना। बहुत लंबा तार नहीं चाहिए, छोटा तार। काफी गाढ़ी लग रही है, मैं हाथ से टच कर रही हूँ। बस इतनी गाढ़ी हो जाए, फटाफट फ्लेम को बंद कर दी। ये अचार बन चुका। अब इसे ठंडा होने देंगे, तब निकालेंगे प्याले में। और अब बनाते हैं चीनी वाला। ये आधा किलो चीनी, जितना आम है उतना ही मीठा चाहिए, और इसमें आधा कप पानी। अब चीनी को मेल्ट होने दीजिए, फ्लेम को लो मीडियम रखिए। इसे धीमी गैस पर चीनी घुलने तक कुक कर लिया। ध्यान रखें फ्लेम को तेज नहीं करें क्योंकि चीनी में पानी बहुत कम है, वो फिर जल्दी नहीं घुलेगी। तो ये चीनी घुल गई। अब डाल दीजिए ये आधा वाला मिक्स आराम से। फ्लेम धीमी है। कुछ बच्चों को गुड़ नहीं पसंद आता ना, तो उनके लिए फिर चीनी का ही अचार बनाना पड़ता है। और अब चीनी के साथ में इसे 5 मिनट धीमी गैस पर ही कुक होने दीजिए। 5 मिनट के बाद इसे भी चेक कर लेते हैं। प्याले में थोड़ा सा निकालिए और ठंडा होने दीजिए। उंगली पर रखिए और देखिए अच्छा तारा आ रहा है ना। बस इसे ज़्यादा कुक बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप इसे कुक करते रहेंगे ये जम जाएगा एकदम बाद में। अभी ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ये ठंडा हो गया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है ठंडा होके। तो ये गुड़ वाला आम का खट्टा मीठा चटपटा अचार, और ये चीनी वाला। दोनों तरह के अचार बन गए, दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इसमें से आपकी पसंद का कौन सा है ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और जब ये अचार पूरी तरीके से ठंडे हो जाए तब आप इन्हें कांच के या चीनी मिट्टी के कंटेनर में भरकर रख लीजिए। जो भी कंटेनर ले रहे हैं वो अच्छे तरीके से गर्म पानी से धुला हुआ और सूखा हुआ होना चाहिए। ये अचार 1 साल नहीं 2 साल में भी ख़राब नहीं होगा, और इसे बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आम के टुकड़े आप कुक कर रहे हैं तो उन्हें हर 2 मिनट में चलाइए ज़रूर। हल्का सा जैसे ही वो नरम हो जाए फ्लेम बंद कर दीजिए, और जब इन टुकड़ों को आप गुड़ के सिरप के साथ या चीनी के सिरप के साथ कुक कर रहे हैं तो 5-6 मिनट के बाद चेक जरूर कर लीजिए। आप बहुत ही अच्छा अचार बनाकर तैयार करेंगे। कभी आपको मीठी चटनी की ज़रूरत पड़ जाए तब आप इस अचार से 1 कटोरी अचार निकालिए और मिक्सर में पीस लीजिए। इसके बाद पानी मिलाइए, चटनी की कंसिस्टेंसी का बना लीजिए। बहुत टेस्टी चटनी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप अपनी पसंद वाला अचार बनाइए, खाइए और बताइए कैसा लगा। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर दीजिए।